तो यूं ही गार में परवरिश पाते हुए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खासे सयाने हो गए तो एक रोज बेटे ने माँ से पूछा, ऐ माँ तेरा खुदा कौन है? माँ ने मुस्कुराकर बेटे की दिलजोई के लिए कहा, बेटा तेरा जो चचा है वो तो कहता है कि मेरे खुदा ये बुत हैं, बहरहाल मेरा खुदा तो वही है जो मुझे खाने को देता है। बेटे ने फिर पूछा, तो फिर मेरे चचा का खुदा कौन है? माँ ने बताया कि आसमान पर चमकने वाले सितारे ही तेरे चचा के खुदा है। बेटा अब भी माँ के जवाब से मुतमईन था। उसने पूछा, अच्छा माँ मुझे ये बताओ कि सितारों का खुदा कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस सवाल पर उनकी वालिदा भी लाजवाब हो गई, मगर जब उन्होंने अपने देवर आज़र से बेटे के सवालात का जिक्र किया तो आज़र ने कहा कि यही लड़का हमारे बादशाह नमरूद का दुश्मन है जिसके बारे में नजूमियों ने उसे बताया था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब रोज़ाना अपनी वालिदा से और आज़र से खुदा के वजूद के बारे में अजीब गरीब किस्म के सवालात करने लगे तब वो दोनों खासे परेशान हो गए। एक रोज़ आज़र ने बेटे को देवताओं की मोहब्बत का शौक दिलाते हुए कहा कि बेटा, यानी ज़ाहिर के भतीजा भी था, कि हमारी ईद आ रही है, हमारे देवताओं के मंदिर में एक अजीम शान महफिल मुनाकिद होगी, तो देवताओं का कुर्ब हासिल करने के लिए सब लोग उसमें हिस्सा लेंगे। मेरी दिली तमन्ना है कि तुम भी उस महफिल में शिरकत करो, और मेरे इब्राहिम मुझे यकीन है कि जब तुम देवताओं की अजमत देखोगे तो तुम्हें हमारा दीन भला लगेगा और फिर तुम उस पर ईमान लाओगे। चुनांचे जश्न के रोज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आज़र अपने साथ ले गया, लेकिन आप जश्न की तकरीब से बहुत दूर एक गोशे में जाकर बैठ गए, और जब उनकी कौम के लोग जश्न मनाने के बाद घरों को रवाना हुए तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और उठकर आपने बुतखानी का रुख किया। वहाँ क्या देखते हैं, क्या कमाल काम किया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वहाँ क्या देखते हैं कि बहुत बड़े कमरे के बीच में एक बड़े सर वाला बुत सीना तान खड़ा है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे बेशुमार बुत मौजूद हैं। बुत खाने का यह सिलसिला दरवाजे के पास से एक खुले दायरे में ख़त्म होता था, बड़ा तवील दायरा, और उन्हीं बुतों के आगे कौम के लोगों ने वो खाना ढेर कर रखा था जो वो अपने साथ उठा के लाए थे, चढ़ावे चढ़ाते हैं ये खाना, ये फलां देवता का है, ये फलां देवता का है, ये फलां देवता का है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को देखा और फिर उनके सामने रखे खाने को देखा तो उनसे रहा नहीं है, उन्होंने हंसते हुए बुतों से कहा, हाँ भाई खाते क्यों नहीं, अब खाओ। इसी दौरान उनकी नज़र करीब पड़ी एक कुल्हाड़ी पर पड़ी और सिवाय बड़े बुत के उन्होंने तमाम बुतों को तोड़ डाला। फिर आपने कुल्हाड़ी बड़े बुत की गर्दन में लटकाई और वापस लौट गए। इधर कुछ देर के बाद जश्न में शरीक होने वाले लोग भी बुतखाने में पहुंच गए ताकि खानों में बरकत पड़ने के बाद उन्हें वापस ले जा सके, मगर जब उन्होंने वहां तमाम बुतों को चकनाचूर पाया तो उन्हें जैसे सांप सूं गया। उन लोगों में से एक शख्स कहने लगा, हमने सुना है कि इब्राहिम नामी एक नौमर लड़के का जिक्र आजकल आम हो रहा है, उसके बारे में कहा जाता है कि हमारे पत्थर के माबूदों का दुश्मन है, और रिवायात में आता है कि यह शख्स शैतान था जो एक बुजुर्ग का रूप इख्तियार करके आया था ताकि इब्राहिम नाम वहां लिया जा सके, क्योंकि लोगों को नहीं पता था, लेकिन वो जानकर आया था, बिलीफ था, और उसने लफ्ज इब्राहिम कहा ताकि लोग इब्राहिम के बारे में सवाल करने लगे। आपस में तबादला ख्याल होने लगा कि कौन इब्राहिम, कौन इब्राहिम। उसके बाद उन लोगों ने जब पता किया तो मालूम हुआ ये तो आज़र का बेटा है, क्योंकि तारिक का तो इंतकाल हो चुका था, तो आज़र ने यही जाहिर किया था कि ये मेरा बेटा है। उन लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाया और जब उनसे बुतों को तोड़ने के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया, मगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब उनको मुतमईन नहीं कर सका। उधर जब यह खबर नमरूद बादशाह तक पहुंची तो वह भी बहुत छटपटाया, क्योंकि अपनी दानिश में तो वो इस लड़के को पैदा होते ही कत्ल करवा चुका था जो उसकी सल्तनत के लिए खतरा बनने वाला था, मगर बुतों को तोड़ने वाले वाक़े ने तो उसके हवास गुम कर दी। उसने अपनी रियाया के बड़े बड़े सरदारों को बुलवाया और उनसे इस बारे में मशवरा किया कि हम अपने माबूदों के साथ गुस्ताखी करने वाले से क्या सुनेंगे। अब मशवरा हो रहा है नाज़रीन का, किस्सा बड़े अहम मोड़ पर आ गया है। जो आप मोर देखते हैं, इस मोर का बड़ा ताल्लुक है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी इस मोर का नहीं, मोर का बहुत ताल्लुक है, इसलिए कि एक मंजिल ऐसी आई थी जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से सवाल किया था कि मेरे रब तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह सुभान व तआला ने अपने प्यारे खलील से यह कहा कि क्या तुझे यकीन नहीं है,
آپ نے ارشاد فرمایا یقین تو ہے, اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو پھر حکم دیا گیا تھا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کوا تھا, بعض روایات میں آتا ہے کہ مور تھا, بعض روایات میں آتا ہے کہ اور پرندہ تھا, لیکن مور کے بارے میں کافی علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو پکڑو, اس کے چار ٹکڑے کرو, مختلف چٹانوں پہ رکھو. ایک طویل واقعہ ہے, یہ بھی آپ کو بتاؤں گا, اس میں آئے گا حضرت ابراہیم کے قصے میں, لہٰذا اس لیے مور آپ کو دکھائی دیتا ہے. طوطا بھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا جب قصہ آئے گا تو طوطا بھی آپ کو, اور بلکہ ابھی تو کچھ دنوں کے بعد یہاں ایک اور چیز آنے والی ہے ناظرین کرام. کہیں تو بتا دوں, سرپرائز رکھوں یا بتا دوں, کیا دل چاہ رہا ہے بتا دوں؟ بڑی اہم چیز آنے والی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے سیٹ پر, وہ چیز آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے, حیران ہو جائیں گے آپ, حیران بھی ہو جائیں گے اور ڈر بھی جائیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اب تو سرپرائز ہے, بس ایک دو یہ حضرت ابراہیم کا قصہ ختم ہوتے ہی تو پھر وہ چیز یہاں پر آ جائے گی. ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہر چیز کو نسبت ہے, ایسے نہیں رکھی ہے یہاں پر, سیٹ کی خوبصورتی کے لیے نہیں ہے, نسبت ہے ہر چیز. یہ جو آپ کنواں دیکھتے ہیں یہ حضرت یوسف سے نسبت ہے, یہ جو خیمے آپ دیکھتے ہیں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خیمہ ہے جو وہ ویرانوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ کھجور کے آپ چھالیں دیکھتے ہیں, تنا پڑا ہوا ہے, یہ لکڑی کا یہ تنا ہے, اس سے حضرت زکریا کی نسبت ہے. عصا ہے آپ کو نظر آئے گا, امامہ ہے, یہ سب نسبت ہیں. یہ کشتی کوہ جودی ہے جس پہ رکی ہوئی ہے حضرت نوح کی کشتی. بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.